हेलो गाइस, वेलकम टू द सेकंड हैंड गैरेज। तो आज मैं आपको बताऊंगा वॉक्सवैगन पोलो और वेंटो की सर्विस जो रिमाइंडर लाइट है उसे कैसे रीसेट किया जाए। सो, जैसे आप देख सकते हैं वेंच इंडिकेटर शो हो रहा है। तो जो लोग कंपनी से सर्विस कराते हैं वो एट अ टाइम उस टाइम सर्विस लाइट रीसेट करके देते हैं। जो लोग आउटसाइड स्टेशन से कराते हैं तो आउटसाइड स्टेशन मैकेनिक रीसेट नहीं कर पाते एज सर्विस फ्रॉम कंपनी इज़ वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज देयर चार्जेस लाइक टैक्स, वेट टैक्स, कंपनसेशन चार्जेस। सो इट्स बेटर टू सर्विस इट फ्रॉम आउटसाइड स्टेशन। और जैसे ही आप सर्विस कराएं आप खुद सर्विस इंडिकेटर लाइट रीसेट कर सकते हैं। सो नॉर्मली अगर आप बाहर से सर्विस कराते हैं तो 3 to 4 thousand में आपकी फुल सर्विस हो जाती है, और अगर आप कंपनी से कराते हैं तो मिनिमम 10 to 15 thousand आपका एक्सपेंस बन जाता है। तो जिसकी वजह से जो वॉक्सवैगन की रेपुटेशन है वो बहुत ख़राब है। बट बिलीव मी गाइस, वॉक्सवैगन राइड क्वालिटी इज सो बेटर देन एज कम्पेयर टू मारुति सुजुकी एंड हुंडई। सो गाइस, सबसे पहले हम ट्रिप मीटर बटन को होल्ड करेंगे जो राइट साइड पर है, जिसके ऊपर SCT लिखा हुआ है। होल्ड करने के बाद हम इग्निशन को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद हम टाइम सेट बटन को प्रेस करेंगे। दैट्स इट। सो गाइज, यू कैन सी डैट सर्विस इंडिकेटर इज़ गॉन। सो आप बाहर से मैकेनिक से इंजन ऑयल चेंजिंग कराएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऑयल चेंज करने के बाद आप खुद सर्विस इंडिकेटर को रीसेट ज़रूर करें।